नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। हिजाब कांड तो आप सभी ने सुना है, आप सभी को वो हिजाब विवाद अच्छे से याद है। आखिर किस तरीके से स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का वो हिजाब एक तरह से हिंदुस्तान में एक क्रांति के तौर पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन हिजाब विवाद एक राज्य में सीमित नहीं रहा, वो हिजाब विवाद देश के कई राज्यों में फैल चुका है। यहां तक कि एक छोटे से हिजाब विवाद ने पूरे देश में एक आक्रोश ला दिया। लेकिन अगर हम बात करें उस हिजाब विवाद की, तो उस हिजाब विवाद ने बहुत जो एंगल निकाला था वो एंगल हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट में हर रोज एक नया दल जो आता था सामने, वो अपनी बातों को रखता था। लेकिन उस विवाद को देखते हुए अगर हम ध्यान दें तो उस विवाद ने साफ तौर पर इस बार फैसला आ चुका है। इस फैसले में बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं रख दी हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने धर्म जात को लेकर जो एक रोटी पका रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अब रोटी जल चुका है। बहरहाल कोर्ट में जो दलीलें पेश की गई, कोर्ट में जो पूरी कार्रवाई हुई, उसके बीच में कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, क्या क्या टिप्पणियां की हैं, वो भी एक नजर डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती ने इन दोनों मामलों पे अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बहरहाल चलिए हम वो चीज जान लेते हैं कि आखिर कोर्ट ने क्या क्या चीजें पक्षों के सामने रखी है, क्या क्या बातें कही। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने इस फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई। इसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर हम उन्हें एक साधारण अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह सिर्फ धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि चुनने की स्वतंत्रता भी मसला है। आपको बता दें कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मामले पर सुनवाई 25 फरवरी को पूरी कर ली थी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख दिया था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि कभी भी फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही थी। जस्टिस कृष्ण दीक्षित की एकल पीठ ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद इसे हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा था। मामले पर एक दिन तक चली सुनवाई के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कर्नाटक में हिजाब के पक्ष और विपक्ष में कई बड़े प्रदर्शन देखने को मिले थे। छात्रों को हिजाब पहनने के विरोध में कई छात्र छात्राओं ने भगवा शॉल ओढ़कर स्कूल आना शुरू कर दिया। राज्य में कई जगहों पर हिंसा होने की भी खबरें सामने आई थी। इसी कारण राज्य में स्कूल कॉलेज को 9 से लेकर 15 फरवरी तक के लिए बंद करना पड़ा था। हालांकि हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्कूलों को खोलने और अंतिम फैसला आने तक ड्रेस कोड को फॉलो करने के अंतरिम आदेश दिए थे। धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन अन्य राज्यों तक भी पहुंच गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसके बाद क्या अब ये फिर से नया विवाद मोड़ लेने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर विशेष धर्म जाति को कोई भी आगे कर देता है, उस पर राजनीतिक रोटियां जो है वो आम तौर पर सेकने के लिए कई लोग आ जाते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का हिजाब को लेकर कोई सवाल आता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।